रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कर तो लो ना आप। हाँ सर वो तो रहे। वो तो है ना। तो चलो तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले थे। क्या भी था मैंने मैं बात कर रहा था वार के बारे में। क्या है मैंने कुछ पॉइंट लिखवाए कि ये किस कलर क्वांटिटी है और इसकी ऐसा यूनिट है वो जूल है जिसको हम लोग न्यूटन मीटर भी बोलते हैं। इस बेसिक डेफिनेशन तो मान लो जैसे कि लोग और ये सरफेस है इस ब्लॉक पर मान लो हमने फोर्स एफ लगाया है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ में इसका ये जो एंगल ये थीटा है और इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो हॉरिजॉन्टल में हो रहा है इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में इसको कौन सेट कर रहा है। हॉरिजॉन्टल में इसको एफ कॉस थीटा घसीट ला रहा है एफ साइन थीटा वर्टिकल है इसका वो तो बैलेंस हो जा रहा है इसका मतलब ये फोर्स हमने यहाँ एफ लगा रहा है। तो कॉन्सेप्ट ये है एफ कॉस थीटा हमने लगाया है ठीक है और यहाँ से लेकर यहाँ लेकर आया है मान लीजिए फिर भी फोर्स तो इधर ही लगा है ये एंगल थीटा है इसके कंपोनेंट क्या है ए कॉस थीटा है ना। मान लो इसका इस इंस्टेंट पे आके मान लो डिस्प्लेसमेंट जो है इसका मान लो डिस्प्लेस होके यहाँ चला जा रहा है तो पहले यहाँ था और यहाँ आया मान लो एक तरह से मान लो इस डिस्प्लेसमेंट हुआ डीएस कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ मान लेते हैं डीएस तो डीएस तो डिस्प्लेसमेंट हुआ अल्टीमेटली किसकी वजह से हो रहा है एफ कॉस थीटा की वजह से। तो यहाँ जो वर्क हम लोग लिखते हो डेफिनेशन वो ये है एफ कॉस थीटा इनटू डीएस या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इनटू डीएस कॉस थीटा यानी एफ कॉस थीटा क्या है कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट या इसके हिसाब से क्या लिखेंगे इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। ऊपर वाला तो आपको दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कंपोनेंट तो कंपोनेंट फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट तो दिख रहा है लेकिन ये कहां दिख रहा है ये यहां से दिखाई देगा आपको देखो ये ब्लॉक है इस ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट मैंने इसको मान लिया इतना लिया लेकर मान लो डिस्प्लेसमेंट तो डीएस है लेकिन समझने के लिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ डीएस तो आप देखा फोर्स की डायरेक्शन तो इधर है ना ये आप देखो ये एंगल कितना है ये एंगल थीटा है तो आप यहाँ देखो इसके अलोंग कंपोनेंट यानी इसको लो यहाँ ये परपेंडिकुलर है मैं इस पर इस डीएस का इधर कंपोनेंट क्या होगा डीएस कॉस थीटा होगा डीएस का जो कंपोनेंट है उधर क्या होगा डीएस कॉस थीटा होगा एफ इनटू डीएस कॉस थीटा वही तो क्या मैंने और पहले वाले केस में क्या था एफ का कंपोनेंट लिया था मैंने एफ कॉस थीटा इनटू डीएस किया है ओके ये कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इसको इसमें ऐसे भी लिख सकता हूँ डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर
ए वेक्टर डॉट बी एस वेक्टर, ये देखो एफ डॉट क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या बताया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू था ए बी कॉस थीटा, ये था यहाँ इसमें एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर ले सकते हैं तो डी एस क्या है, इसको डी एस को हम लोग डी आर वेक्टर भी लिख सकते हैं, डी एस को क्या लिख सकते हैं, डी आर वेक्टर भी लिख सकते हैं, यानी इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये क्या होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, क्या होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मतलब है ये जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है ये इस पॉइंट पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है रहेगा, लिख लो इसको, लिख लिया आप लोगों ने। नहीं सर, एक मिनट। हो गया सर। हो गया ना, लिख लो, लिख लो, थोड़ा आराम से लिख लो, कोई जल्दबाजी नहीं। लिख लिया? हाँ सर। अब इसमें क्या है कि हम लोग क्या क्या कौन कौन सा वर्क देखेंगे, तो एक तो कांस्टेंट फोर्सेस का वर्क देखेंगे, फिर वेरिएबल फोर्सेस का वर्क देखेंगे,
फिर एक ग्राफ अपने को गिवन होगा, तो उस ग्राफ से कैसे हम लोग वर्क फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हम लोग तीन तरह से वर्क के बारे में यहाँ बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्सेस। या वर्क फोर्स ही करते हैं तो फोर्सेस तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की बात करेंगे, है ना। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है, तुम्हारे पास डेफिनेशन सिंस डी डब्ल्यू इक्वल टू हमारे पास में ए फैक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब हम कह रहे हैं कि ए फैक्टर कांस्टेंट है, यानी इसको इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है। जब आप इसको इंडिकेट करोगे तो आर इनिशियल टू आर फाइनल ए फैक्टर डॉट डी आर वेक्टर, तो एफ के तो करने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा दरअसल ए फैक्टर डॉट डी आर का क्या होगा आर वेक्टर, और जाएगा आर इनिशियल टू आर फाइनल। तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा यहाँ ए फैक्टर डॉट आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर। और इस रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना? हाँ सर, वो वाईफाई ठीक हो गया, वो ब्रॉडबैंड वालों का प्रॉब्लम है क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से छोड़ा है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा। ओके, तो चलो जैसे बात करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम लोग। ये एक तरह से फॉर्मूला भी होगा, इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो आप। जैसे पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी लेता हूँ। वर्क डन बाय ग्रेविटी की जब बात करें तो हमारे पास में जो एम जी वो क्या मानते हैं हम लोग, कॉन्स्टेंट मानते हैं, क्योंकि हम लोग जी जो है कॉन्स्टेंट मान रहे हैं। जब तक ग्रेविटेशन नहीं पड़ेंगे तब तक जी को हम लोग कॉन्स्टेंट ही मानेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब मान लो जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लो एक ब्लॉक है यहाँ, है ना, ये 0.0 पर है मान लो, और मैं इसको मान लो यहाँ लेके जा रहा हूं इस पॉइंट पर, यानी ये हाइट एच हो गई, हॉरिजॉन्टल हाइट इसकी एच हो गई, और हॉरिजॉन्टली ये मान लो एल चल रहा है, इस पॉइंट पी पर लेकर आ रहे, मान लो पॉइंट ओ है, पॉइंट पी है, तो ये क्या होगी हमारा, ये हाइट एच होगी मान लो, और ये क्या होगी हॉरिजॉन्टली कितना चला एल, और ये क्या है एच, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा। आप देख रहे हो इसके कोऑर्डिनेट 0.0 और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए यहाँ, यानी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें, यानी आर इनिशियल की अगर मैं बात करूँ तो आर इनिशियल तो जीरो है क्योंकि 0.0 पर ही है, और आर फाइनल क्या लिखोगे आप, तो ये लिखोगे एल आई कैप प्लस एच जे कैप, ये सबको आना चाहिए। अब कैसे कोऑर्डिनेट से हम लोग वेक्टर बनाते हैं, सब किया हुआ हम लोगों ने। तो एम जी किधर लग रहा है इसको, एम जी तो हमेशा डाउनवर्ड होगा, एम जी किधर होगा डाउनवर्ड, यानी एम जी डाउनवर्ड का मतलब एफ वेक्टर क्या लिखोगे आप, माइनस एम जी जे कैप लिखोगे, रख दो। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या लिखोगे, ए फैक्टर डॉट आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, क्या हो गया, तो माइनस एम जी जे कैप डॉट आर फाइनल, यानी एल आई कैप प्लस एच जे कैप माइनस आर इनिशियल क्या है यहाँ जीरो। आप देखो जे डॉट j कैप डॉट i कैप क्या होगा, जीरो होगा, और j डॉट j कैप क्या होगा, तो यहाँ वर्क कितना आ गया, माइनस एम जी एच। इससे एक बात और पता चली, इसका मतलब एम जी जो वर्क करेगा वो हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन के हिसाब से वर्क करेगा, यानी हॉरिजॉन्टल का इसका कोई लेना देना नहीं होगा। तो जब भी बात करेंगे हम लोग वर्टिकल हाइट की बात करेंगे, आगे बात समझ में,
चाहे बॉडी ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर जा रही, तो वर्क क्या हो रहा है, माइनस एमजीएच होगा ही। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, एमजी नीचे लग रहा है ना, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि थीटा क्या हो रहा है देखो उस केस में 180 हो रहा है ना, है कि नहीं भाई। यहाँ अगर थीटा की वैल्यू आप देखो इस केस में cos थीटा की वैल्यू अगर 180 हो जाए, मतलब थीटा की वैल्यू 180 हो जाए, तो cos थीटा क्या लिखते हो आप, माइनस वन लिखोगे, तभी तो आ रहा है वो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट केस है और उसका वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए माइनस आ रहा है। अगर ऊपर से नीचे आता तो प्लस mgh होता। ये बात समझ में पहले तो? यस सर, समझा है ना। तो एक नोट यहाँ लिख लेते हैं पहले कि अगर मान लो थीटा इक्वल तो dw इक्वल टू क्या लिखोगे आप, एफ डी एस लिखोगे ना, और अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हुआ तो dw इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस एफ डी एस लिखोगे, और अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हुआ तो dw क्या मिलेगा आपको, हमेशा जीरो मिलेगा ना, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या है, cos 0 की वैल्यू 1, cos 180 की वैल्यू माइनस 1, और cos 90 की वैल्यू 0। ठीक है ना, तो ये मतलब लिख लो इसको। थोड़ा और ऊपर लो ना। सर हाँ बोलिए सर, मतलब ये जो वर्क डन आपने फाइंड किया है वो ऑब्जेक्ट को 0,0 से एल कॉमा एच तक जाने के लिए जितना वर्क रहेगा वो है, वही वर्क लिखा मैंने। ठीक है, 0,0 से एल कॉमा एच तक जाने में कितना वर्क हुआ, ये हुआ ना फाइनल माइनस इनिशियल, देखो। हाँ सर, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब जैसे एग्जाम्पल वन है, आप एग्जाम्पल वन देख रहे हैं, अपनी बुकलेट में जाइए। बुकलेट में देखो आप एग्जांपल वन क्या कह रहा है। फिगर शोज फॉर सिचुएशंस इन विच अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉक्स इट्स राइटवर्ड अ डिस्टेंस डी। इसको करो तो क्वेश्चन को, ब्लॉक राइट साइड में जा रहा है ये कह रहा क्वेश्चन में।
एक क्वेश्चन सुन मा रहा है? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। सर एक बार वापस बोले ना क्या करना है? क्या 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 एक बार वापस बोले ना क्या करना है? एग्जांपल वन करना है। ठीक है सर। Yes, sir. नहीं सर बस वो नोट लिख रहे सर नोट लिख। हो गया सर। हो गया ये क्वेश्चन भी हो गया क्वेश्चन नंबर वन। यस सर। बात समझ में आ गई ना उसमें क्या हो रहा है? हाँ सर। अब इस पर भी आ जाओ यहाँ। एग्जाम्पल टू थ्री फोर। एग्जाम्पल टू थ्री फोर। ये भी करो। ये जो एग्जाम्पल है ना आपके तीन एग्जाम्पल टू थ्री फोर ये आपको इससे पता चलेगा कि मतलब क्या हो रहा है यहाँ देखो। फिर मैं अभी भी समझाऊंगा आप पहले एक बार ट्राई कर लो अपने लेवल पे फिर मैं समझाता हूँ।
समझ में आया तीनों क्वेश्चन? नो सर। देख ले तीनों क्वेश्चंस को देख ले आप लोगों ने, चलो मैं समझाता हूँ। अब इधर देखिए करना क्या है इसमें। देखो यहाँ एग्जाम्पल टू समझते हैं। पहले मैंने पहले क्या बोला आपको, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी उसका डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। मैंने ऊपर जो पॉइंट लिखवाया वो क्या था, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स यानी जिस फोर्स लग रहा है उसका बात करेंगे। मतलब क्या हुआ, पहला एग्जाम्पल प्लास्टिक बॉल है और ये वॉल है, आप यहाँ देखो कि ये वॉल तो फिक्स है ना, यानी यहाँ जो नॉर्मल होगा अगर इसका आप एफबीडी बनाओ, तो एफबीडी जब आप बनाओगे तो आप ये देखो वॉल पर जो नॉर्मल लग रहा है वो तो इधर है और इस पर जो नॉर्मल लग रहा है वो इधर है, ये पॉइंट वही तो बना हुआ है। इसका देखो जब तक ये जब टकरा के वापस आएगा तो ये जो पॉइंट है यहाँ पॉइंट का तो डिस्प्लेसमेंट है, यानी जहां जिस पॉइंट का नॉर्मल लगा हुआ है उस पॉइंट का तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है। तो जब में रहेगा तब तक तो पॉइंट रेस्ट पर ही है, ये जो पॉइंट यहाँ है ये पॉइंट रेस्ट पे बना रहेगा जब तक ये कॉन्टेक्ट में है। तो जब जिस पॉइंट पर नॉर्मल लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हो गया, यहाँ जीरो ही तो होगा। ये बात समझ में आई, ये तो बात समझ आ रही कि जब तक कॉन्टेक्ट में है तब तक नॉर्मल है, कॉन्टेक्ट ब्रेक तो नॉर्मल भी जीरो, तो कॉन्टेक्ट में है लेकिन ये इसका डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा है इस पॉइंट का। जिस पॉइंट पर ये नॉर्मल लग रहा है उस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, यानी जो ब्लू पॉइंट उसका कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। देखो यहीं कहीं बना रहेगा जब तक कॉन्टेक्ट में, कॉन्टेक्ट ब्रेक हुआ तो नॉर्मल जीरो हो जाएगा, इसका मतलब नॉर्मल का वर्क क्या होगा, यहाँ जीरो होगा। ये पॉइंट क्लियर है भाई सबको? यस सर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल टू, सॉरी एग्जाम्पल थ्री। क्या कह रहा है, वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन व्हेन अ पर्सन क्लाइम्स अप द स्टेयर्स। आप यहाँ देखो ये स्टेयर्स है और ये आदमी ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये देखो आपको ये पता है जब तक ये आदमी यहाँ कांटेक्ट में रहेगा तब तक नॉर्मल है, अपने पैर अपने एक लेग को ये उठा के अपने फुट को उठा के जब नेक्स्ट वाले पे रखेगा तो वहां जो नॉर्मल है वो तो नॉर्मल क्या हो जाएगा इमीडिएटली, जैसे कॉन्टेक्ट ब्रेक करेगा नॉर्मल जीरो हो गया ना, भले ही उस बॉडी का देखो इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट होके यहाँ आ जाएगा, ये आदमी क्या हो रहा देखो डिस्प्लेस होके यहाँ आ जाएगा, लेकिन जैसे ये यहाँ से कॉन्टेक्ट ब्रेक करेगा इस सरफेस से नॉर्मल तो इमीडिएटली जीरो हो रहा है। तो जब तक ये नॉर्मल जब तक इस सरफेस के कॉन्टेक्ट में तब तक नॉर्मल वहां है, लेकिन इस सरफेस का तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है, तो वापस से नॉर्मल का वर्क क्या होगा, यहाँ जीरो होगा, क्योंकि यहाँ जो नॉर्मल लग रहा होगा उसका वर्क क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जैसे कॉन्टेक्ट ब्रेक करेगा नॉर्मल जीरो। ये बात समझ में आई? yes. तो इस केस में भी नॉर्मल का वर्क जीरो आ गया। नेक्स्ट हमारे पास में एग्जाम्पल फोर, क्या कह रहा है, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स रनिंग इज। अब आप खुद ही देखो जो आदमी है अगर वो रन करता है, आप भी जाते हो तो क्या घसीट घसीट के चलते हो क्या, रगड़ रगड़ के तो नहीं चलते हो, आपके पाओ को घसीटते हुए जा रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है। जब वो आदमी दौड़ता है तो आप खुद ही देखो जब वो पहले पाओ को अपने पाओ को पहले को टच करता है तो क्या उसका लेग पीछे स्लाइड करता है क्या नहीं करता है, या आगे स्लाइड करता है क्या नहीं करता है,
तो जब तक वो पांव को कांटेक्ट में रखता है, जैसे मैं आपको वीडियो से समझाता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा वन ए पॉइंट। एक मिनट रुको, देखो समझाता हूँ मैं इस पॉइंट को। यहाँ देखो, जैसे मान लो ये मेरा हैंड है ना। अब ये मान लो हैंड को मैं यहाँ से देखूं, देखो मैं अगर जैसे दौड़ रहा है तो ये मान लो उसका फुट है ना। जब वो दौड़ रहा है तो ऐसे रगड़ के थोड़ी जाता है वो, या ऐसे रगड़ के पीछे पाँव आ रहा है, ऐसा आता है क्या? नहीं। यहाँ से जैसे या तो फिंगर ले लेता हूँ, तो ये फिंगर यहाँ रखा मान लो, तो नेक्स्ट वाला यहाँ रखेगा, फिर नेक्स्ट वाला यहाँ रखेगा, तो क्या ये स्लाइड कर रहा है यहाँ? ये पॉइंट जिस पर फ्रिक्शन लग रहा, नहीं, वो पॉइंट जो है ना वो स्लाइड नहीं करता, जो वो जो उसका जो फुट है वो स्लाइड नहीं करता है। यानी क्या करेगा, देखो यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, है ना। फिर से समझते हैं, देखो यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो जब तक वो कॉन्टेक्ट में तो स्लाइड थोड़ी कर रहा है इसे। इसका मतलब जब तक वो कॉन्टेक्ट में है तो फ्रिक्शन उसको आगे की तरफ लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन उसका स्लाइड थोड़ी कर रहा है इसे कि आदमी ऐसे स्लाइड करके आगे जाता है, नहीं। इसका मतलब जब तक वो कांटेक्ट में है तब तक वहां स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, उसके बाद नेक्स्ट वाला लेग वहां चला जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वाला। इसका मतलब कि उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा जिधर फ्रिक्शन है। जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो वर्क क्या होगा उसका? जीरो होगा। बस उनमें आ गया yes, भाई, सबको समझ आ गया ना पॉइंट मैंने क्या कहा? हाँ सर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो? नो सर। तो ये कहने का मतलब था मेरा, तो जब तक ये आदमी आगे चलेगा, ये दौड़ के अगर आगे भी जाएगा तो यहाँ इसको स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? मान लो अगर दौड़ के भी जाता है इसको स्टैटिक फ्रिक्शन आगे लगेगा, लेकिन इस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसलिए वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा यहाँ? जीरो होगा। क्योंकि जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो वर्क क्या होगा? जीरो होगा। किसका? जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। यानी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, यानी किसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए? जिस पॉइंट पर फोर्स लगा हुआ है। ये बात समझ में आई सबको? हाँ सर। ना तो ये काफी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था है। अब जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास में, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, इसने एग्जाम्पल 5 दिया है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल है ना, लेकिन बड़े कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं इन सब में। तो एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है? द मास ऑफ द पार्टिकल इज 2 kg, इट इज प्रोजेक्टेड एज शोन इन 4 डिफरेंट वेज। ये भाई एग्जाम्पल 5 है ना सबके? सर यही है। हाँ, तो अब इसमें क्या हो रहा? दरअसल यहां से देखो आप, यहाँ देखो इसको ये कैसे कैसे फेंक रहा है, 4 तरीके से। या तो ऊपर थ्रो कर सकता है, सबकी सेम स्पीड है, या ऐसे थ्रो कर सकता है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, या ये ऐसे थ्रो कर सकता है, ये 3 हो गया, या ये ऐसे थ्रो कर सकता है, ये 4 हो गया। अब आप देखो, मैंने अभी बात करी थी ऊपर, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इसका वर्टिकली, तो 100 मीटर ही होगा ना। तो भाई अगर ये आता है तो ये ऐसे चला आएगा,
ये आएगा तो ये ऐसे चला आएगा, यानी ये फोर होगा, ये वन होगा, ये अगर जाएगा तो ऐसे चला जाएगा। लेकिन आप ये देखो वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट तो इसका यही हुआ ना, इधर की तरफ कितना हो रहा है h, और h इक्वल टू कितना है यहाँ 100 मीटर। तो आप देख रहे हो कि डाउनवर्ड इस ब्लॉक, इसको क्या लग रहा है mg, किधर लग रहा है, डाउनवर्ड ही लग रहा है mg। तो यहाँ वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ जाएगा, mg h ही तो आ जाएगा। ये बात समझ में आई मैंने क्या कहा? अभी भी ऊपर एक केस लिया था कि वर्टिकल हाइट के हिसाब से वर्क करेगा, तो ऊपर वहां पहले नेगेटिव क्यों आ रहा था, क्यों, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर था, एंगल कितना था वहां डिस्प्लेसमेंट और mg के बीच में, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 180 डिग्री था, यहाँ क्या है जीरो एंगल है, नीचे की तरफ है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास में m की वैल्यू कितना दिया इसने 2 kg, तो w इक्वल टू आ गया 2 × g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, h कितना है यहाँ 100, इसका मतलब कितना आ गया 2000 joule, इतना वर्क mg ने किया। तो चारों केस में, यानी चारों केस की बात कर रहा हूं मैं, W1, W2, W3, W4, ये पॉइंट क्लियर हुआ भाई सबको? यस सर। भाई बाकी लोगों को भी क्लियर है ये पॉइंट? हमेशा कैसे देखना है mg का वर्क, हमेशा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखना है, या तो अपवर्ड जा रहे हैं तो फिर माइनस mgh लेंगे, नीचे आ रहे हैं तो प्लस mgh लेंगे। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं नहीं आपको तो क्लियर हो गया, बाकी लोगों का आवाज ही नहीं आ रही। नो सर। नो नहीं सुन में आया? समझ में आया सर, सर क्लियर है। नो सर, क्लियर है ना? हाँ चलो फिर आ जाते हैं, और डीपीपी करना शुरू कर दो आप लोग, अभी इसका होमवर्क नहीं दूंगा मैं, है ना, इसका नेक्स्ट वीक से होमवर्क मिलेगा। हाँ लिख लीजिए यहाँ से ना, ऊपर वाले तो लिख ही लेते हैं। सर वो एनएलएम का पार्ट 2 कब डिस्कस होगा? कर लेंगे, आपको डाउट है तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 आप पूछ लेना मेरे से। सर कब पे? ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा आप भी तो, आप ठीक है ना? ओके सर, ओके तो मैं बता दूंगा आपको, अगर डाउट है तो आप सेंड कर दीजिएगा, बाकी लोग भी देखते हैं ट्राई करेंगे तो अच्छा रहेगा। लिख लिया? ये भी लिख लो। लिख लिया। ठीक है, तो आज इतना ही। चलिए फिर, ओके बाय बाय। बाय सर।